बच्चे की आंखें पीली थी और बच्चे को वोमिटिंग हो रही थी, तो हम बच्चे को सर के पास लेके आए। सर ने जब बच्चे का टेस्ट किया तो बच्चे को पीलिया डिक्लेयर हुआ, तो सर ने बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और जो इसकी रेंज थी पीलिया की बहुत ज़्यादा थी, तो सर ने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और साथ साथ जो सर ने लाइफस्टाइल के बारे में बताया बच्चे को कि सुबह वॉक के लिए पार्क में लेके जाना है, मंदिर में लेके जाना है, साथ में योगा करना है। और खाने के लिए सर ने जो बोला कि हरी सब्जी खानी है, उबली सब्जी खानी है, जो जो सर ने बोला वो हमने बच्चे को खिलाया और इसका लाइफस्टाइल चेंज किया। और अब बच्चा एक्टिव है, ठीक है और खा भी रहा है, बिल्कुल ठीक है। जो थैंक मैंने यू। कहा वो सारे उन्होंने किया। पीलिए में दवाई के साथ साथ परहेज बड़े जरूरी हैं। इसके एसजीओटी एसजीपीटी 4,000 और 5,000 थे, बिलोबिन भी इसका बहुत ज्यादा बड़ा था। फिर हमने कुछ दिन के बाद दोबारा जब कराया तो इसका काफी फर्क आ गया, क्योंकि जो मैंने खान पान में बदलाव किया कहा था वो सारे उन्होंने खान पान में बदलाव भी किया। एक तो जैसे इसकी तली चीजें बंद कर दी, मिर्च मसाले की चीजें बंद कर दी, खट्टी चीजें बंद कर दी, फिर चॉकलेट ब्रेड बिस्कुट इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं दी इसको, उससे बड़ा जल्दी इसमें इंप्रूवमेंट हुआ। फिर मैंने सुबह उठ के इसको योग भी करवाया डेली डेली से, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, काफी लगभग 1-1 घंटा सुबह किया, उससे इसको बड़ी हेल्प मिली। तो अगर ऐसे खान पान रहन का ध्यान रखें तो बड़ा अच्छा रहेगा। खान पान में क्या क्या चेंज किए, एक तो इसको रोटी में मूली घिस के दी थोड़ी थोड़ी करके, फिर देसी खांड के थोड़े चावल, मीठे चावल बना के भी दिया इसको, थोड़ा सा एक आधी बार स्पंज रसगुल्ला भी दिया, गन्ने गन्ना भी इसने चूसा, मेरे सामने बैठ के गन्ना चूसा इसने, तो थोड़े भुने हुए चने भी खाए, तो इससे इसमें बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। अगर खान पान रहन सहन का ध्यान रखें तो पीलिया में से बचाव हो सकता है। बाकी हैंड हाइजीन के बारे में मैंने बताया कि जब भी खाना खाएं तो हाथ धो के ही खाना खाएं, और कभी भी बाजार में जाएं तो कटे हुए फल इस तरह की चीज़ ना लें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पूरी गर्मियाँ हम बच सकते हैं, पीलिया से बच सकते हैं। फिर अगर घर में फिल्टर ना लगा हो तो एक सिंपल मैकेनिकल फिल्टर लगवा लें, बड़े बड़े महंगे ज़्यादा आरओ फिल्टर लगवाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैकेनिकल फिल्टर से ही काम चल जाता है, जिससे कि वायरस छन जाते हैं और उसकी ज़्यादा टीडीएस भी डिस्टर्ब नहीं होता पानी का इस चीज़ का। और वैसे अगर सुबह उठ के डेली योग करें तो हमारा लीवर, हमारा इम्यूनिटी, हमारा सिस्टम बड़ा इंप्रूव हो जाता है, तो उससे भी आसानी से इन्फेक्शन नहीं होता। अगर खान पान का ध्यान रखेंगे तो पीलिए को कंट्रोल करना बड़ा आसान काम है। चार चीज़ों से बचाव रखना है, एक तो तली हुई चीज़, चिकनाहट वाली चीज़ जो कि लीवर की मेटाबोलिज्म को बड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं, फिर खट्टी चीज़ें ज़्यादा ना दें, उनसे पित्त बढ़ जाता है, फिर स्पाइसी चीज़ें, पित्तवर्धक चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी, मिर्च मसाले, फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें, और जो भी पित्तवर्धक चीज़ें हैं, चटपटी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, इनसे बचा रखना पड़ेगा। फिर जितना उसके बासी भोजन ना दें, बेकरी के प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड, बिस्कुट, रस वगैरह ये चीज़ ना दें, ज़्यादा घी वगैरह भी खाने में ना डालें, जैसे जो हल्दी वगैरह का भी ज़्यादा उपयोग ना करें, वो भी पित्त को बढ़ाती है। अगर ऐसा ध्यान रखेंगे तो पीलिया को बड़ी आसानी से हम घर पर भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है कि भाई अगर बीमारी का कारण हम ठीक कर लेते हैं तो उसका उसके ऊपर कंट्रोल करना बड़ा आसान रहता है। मैं तो ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल के बड़े सारे मेजर्स बताता रहता हूँ। इनका स्टार हेल्थ का कैशलेस एम्पैनलमेंट भी था, तो उसमें इनको बड़ी आसानी से सुविधापूर्वक इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम घर पे देख रेख अच्छी करें तो फिर हम वैसे भी पीलिया से बचाव कर सकते हैं, और अगर खान पान का परहेज करेंगे तो बड़ी जल्दी पीलिया ठीक होता, नहीं तो यूजली पीलिया को ठीक होने में 1.5-2 महीने लगते हैं। अभी भी इसकी आंखें पीली हैं, लेकिन अब ये खाना पे खा रहा है, एक्टिव है, खेल कूद रहा है, तो उससे अब इसे कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।